शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा स्कूटी के साथ पैराग्लाइडिंग की भी है। गुजरात के सूरत में एक लड़के का ओवरब्रिज पर स्केटिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। दरअसल हाल ही में लखनऊ और दूसरी जगहों पर सड़क में स्केटिंग के दौरान हादसे के मामले सामने आए हैं, लिहाजा पुलिस अब इस मामले को भी गंभीरता से ले रही है। उसने कानून के हिसाब से कार्रवाई करने की बात कही है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अनोखी पैराग्लाइडिंग का मामला सामने आया। दरअसल वहां पैराग्लाइडिंग सवार ने स्कूटी के साथ उड़ान भरी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गया। कहा जा रहा है कि ये पायलट पंजाब का है। हालांकि पायलट ने उड़ान के दौरान वजन कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की बैटरी निकाल ली थी। वैसे इस अनोखी पैराग्लाइडिंग को देखने के लिए कई लोग जुटे। बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी और उनका परिवार अपनी ही भतीजी की शादी में शामिल नहीं हुआ, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों के साथ साथ आम लोगों तक में खूब चर्चा हो रही है। वो भी तब जबकि लालू यादव दूसरे शादी समारोह में लगातार शिरकत कर रहे हैं। दो दिन पहले भी वो छपरा में एक शादी समारोह में पहुंचे थे। वैसे राबड़ी के भाई साधु यादव की बेटी की शादी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और चिराग पासवान समेत 17 सांसद और दूसरे नेता पहुंचे, लेकिन न तो राबड़ी देवी आई और न ही लालू यादव। दोनों परिवारों में काफी समय से मनमुटाव है, लेकिन ये दिल शिकवे शादी में भी खत्म नहीं हुए। आरोप है कि लखनऊ की एक यूनिवर्सिटी में पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेश कुमार नकल करते पाए गए। इसके बाद उनकी कॉपी सील कर दी गई। ये मामला एलएलबी की सेमेस्टर परीक्षा का है। बताया जा रहा है किसी दौरान उन्हें नकल करते पाया गया और उन्हें दूसरी कॉपी दी गई। उत्तराखंड के टिहरी में एक शादी समारोह के दौरान कई लोग भारी बर्फबारी में भी डांस करते नजर आए। इसमें पुरुषों के अलावा महिलाएं भी शामिल रहीं। इन्होंने घेरा बनाकर वहां के पारंपरिक अंदाज में डांस किया। ये गांव तिब्बत सीमा से सटा है, जहां शादी समारोह में लोग भारी ठंड के बावजूद इस तरह जश्न में डूबे दिखाई दिए। इस गाँव का संपर्क बर्फबारी की वजह से सड़क से कट चुका है, लिहाजा लोगों को पैदल ही वहां कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है और आज की ये खबर दम फुलाने वाले ट्रैफिक जाम से जुड़ी है। ये तो आपने भी महसूस किया होगा कि ट्रैफिक में कुछ देर तक फंसे रहने के बाद परेशानी होने लगती है। ये बात मानी जाती है कि ट्रैफिक के धुएं से दिल और दिमाग दोनों प्रभावित होते हैं, लेकिन अमेरिका की एक नई स्टडी में चौंकाने वाली बात सामने आई है। इसके मुताबिक ट्रैफिक जाम में फंसने पर ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। ऐसा क्यों है और इसका उपाय क्या है, ये समझना जरूरी है। उससे ज्यादा जरूरी है कि सेहत पर असर डालने वाली इस समस्या को लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। दुनिया में शहर छोटे हों या बड़े, ट्रैफिक जाम एक आम समस्या है। दुनिया भर के करोड़ों लोग हर रोज इसका सामना भी करते हैं, बिल्कुल एक आदत की तरह। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रैफिक जाम का सामना आपका बीपी बढ़ा सकता है? चूंकि इसका असर सेहत पर पड़ सकता है, आपकी ब्लड प्रेशर की समस्या हार्ट की समस्या को जन्म दे सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के एक शोध से पता चलता है कि ट्रैफिक जाम पर्यावरण प्रदूषण के साथ इंसान के ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देता है। यानी ट्रैफिक से होने वाले प्रदूषण से ब्लड प्रेशर में होने वाली बढ़ोतरी ज्यादा नमक खाने से होने वाली वृद्धि के बराबर है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के रिसर्च में क्या सामने आया है। ट्रैफिक में अगर कोई इंसान एक घंटे तक फंसा रहता है तो उसका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ जाता है, जिसका असर शरीर पर 24 घंटे तक रहता है। इस शोध में शामिल 22 से 45 साल के लोगों में 2 घंटे गाड़ी चलाने के बाद ट्रैफिक में सांस लेने की वजह से ब्लड प्रेशर 4.5 मिलीमीटर एचजी से ज्यादा बढ़ा पाया गया। ट्रैफिक में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें और वातावरण में मौजूद छोटे छोटे कण भी मानव शरीर में पहुंचकर ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करते हैं।
ट्रैफिक में फंसने से सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर ही नहीं बढ़ता बल्कि शरीर में हार्ट की समस्या भी होने लगती है और फेफड़ों को तो नुकसान पहुंचता ही है। तो हो सकता है कि आप योगा करते हो और आप बहुत फिट रहते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, लेकिन उसके बावजूद ये जो ट्रैफिक है ये जानलेवा साबित हो रहा है। और दिन के अंदर अमूमन दो बार तो लोग फंसते ही हैं, घर से दफ्तर जाते समय या स्कूल अगर बच्चे जा रहे हैं तो, और अगर वो दफ्तर से घर आ रहे हैं तो। ये ट्रैफिक जो है, जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, इससे जूझ कर ही, इसको पार कर कर ही अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। तो अगली बार जब आप ट्रैफिक के अंदर फंसे तो ये बात का जरूर ध्यान रखें कि सिर्फ समय और गुस्सा और इरिटेशन ही नहीं हो रहा है, बल्कि ये ट्रैफिक धीरे धीरे करके हमारी जिंदगी के कई साल भी हमसे छीनता जा रहा है। क्योंकि जो आपके दिल पर असर पड़ता है, लंग्स पर असर पड़ता है, तो इसका लॉन्ग टर्म जो दिक्कत होती है वो ये है कि आपका लाइफ स्पैन कम हो जाता है। देश के कई शहरों में ये समस्या आम है। जैसे ही ऑफिस आने का वक्त हो या ऑफिस से घर जाने का, देश की सड़कों पर ट्रैफिक का बेतहाशा बोझ बढ़ जाता है। नतीजा होता है ट्रैफिक जाम, जबरदस्त ट्रैफिक जाम, और उसके अंदर जो एयर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन का इतना सीधा असर लोगों पर देखने को मिलता है। ट्रैफिक जैम पर यह रिपोर्ट अमेरिका के वॉशिंगटन विश्वविद्यालय की है, जहां पर पहले से ही प्रदूषण रोकने पर जोर रहा है और AQI भी काफी हद तक खतरे के निशान से नीचे ही रहता है। जबकि बात अगर हिंदुस्तान की हो तो देश के कई बड़े शहरों में प्रदूषण का लेवल काफी अधिक रहता है। ऐसी में समस्या के साथ इस बात पर भी रिसर्च होनी चाहिए कि इसका परिणाम भारत जैसे देशों में क्या होने वाला है। ये अपने जनरेशन का एक बहुत बड़ा इशू होने वाला है, क्योंकि एयर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन रिलेटेड रिस्क का जो इवैल्यूएशन है वो अपने देश में या कंट्री में बड़े तौर पे रिसर्च नहीं हुआ है। जैसे अब सियाटल की बात करें, वहां का AQI 30 है और आज जब मैं चेक कर रहा था मुंबई का AQI 120 पार है। तो आप चार गुना ज्यादा पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हो। ये तो हम लोग सिर्फ ब्लड प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर छोड़ के भी अनेक बीमारियां एयर पोल्यूशन कॉज करने का इटियोलॉजी, मतलब एज ए रिस्क फैक्टर है। तो इसकी स्टडी होनी चाहिए, इसका आकलन होना चाहिए कि भाई व्हाट इज एयर पोल्यूशन गोइंग टू डू ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस पे क्या होने वाला। आई कैन जस्ट इमेजिन कि वी आर ब्रीदिंग दैट एयर, हो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं, उसका हमारे पे दोनों पे क्या असर होता है, गॉड नोस। भारत में ट्रैफिक जैम और प्रदूषण का असर साफ नजर आने लगा है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के रिपोर्ट पर हमने लोगों से भी बात की तो उनका कहना था कि ट्रैफिक की समस्या बड़ी समस्या है। इससे दिल फेफड़े पर तो असर पड़ता ही है, चिड़चिड़ापन भी बढ़ता है। इतने ज्यादा ट्रैफिक के वजह से इरिटेशन है, वो हॉन्किंग है, वो सबका ज्यादा असर पड़ता है। तब जाके मैं अगर ऑफिस भी पहुंचूं तो ऑफिस पहुंचने के बाद थोड़ा और चिड़चिड़ा सा हो जाता है, किसी और, मतलब इसका गुस्सा किसी और पे कभी कभी ऐसा लगता है कि BP बढ़ गया है। मतलब मतलब एंगर इश्यूज आते हैं, फ्रस्ट्रेशन आता है कि अरे व्हाट इज दिस हैपनिंग, तो ऐसे दिक्कत आती है। और ये जो सब फ्रस्ट्रेशन और एंगर है ना, ये कॉलीग्स पे या दोस्तों पे या घर वालों पे निकल आ जाता है। अब सवाल है कि ट्रैफिक की समस्या ऐसी है कि इससे छुटकारा किसी भी देश के लिए आसान नहीं है, लेकिन यातायात में सुधार और गाड़ियों को कम चलाकर इससे निपटने का समाधान ढूंढा जा सकता है। ट्रैफिक से बचकर गाड़ी में एयर फिल्टर और मास्क जैसे उपायों को अपनाकर ही खुद का बचाव किया जा सकता है। हालांकि प्रदूषण और ट्रैफिक पर नियंत्रण के लिए सरकारें भी गंभीर दिखने लगी हैं, लेकिन जरूरी है कि इसे लेकर हम खुद भी सतर्क हों और दूसरों के लिए सावधानी वाला हॉर्न बजाएं। मुंबई से सौरभ अख्तानिया, दिल्ली से ऐश्वर्य पालीवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ट्रैफिक के धुएं का हमारी सेहत पर क्या असर होता है, इसे विस्तार से बता रहे हैं डॉक्टर आशीष अग्रवाल। हम जानते हैं कि जैसे लंबे समय तक ट्रैफिक में जाम रहने से या फिर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। जब हम ट्रैफिक में जाम होते हैं तो हमारे अंदर एक सेंस ऑफ हरी होता है, सेंस ऑफ हेस्ट होता है, जिससे कि बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स ऐसे निकलते हैं जिससे कि ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ती है। लंबे समय तक अगर ये ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ती है तो हार्ट के लिए नुकसानदायक होता है। इसके साथ में पोल्यूशन होने से या फिर ट्रैफिक के धुएं में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि नई स्टडीज में पाए गए हैं कि दे आर एज बैड एज स्मोकिंग। यानी कि जिस तरीके से स्मोकिंग से हार्ट अटैक हो सकता है, उसी तरीके से स्मोक या राइजिंग पोल्यूशन से भी हार्ट अटैक हो सकता है। कुछ केमिकल्स जो कि कार के फ्यूल से निकलते हैं या फिर टायर के घिसने से या फिर सड़क के धुएं में कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिससे कि हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक हो सकता है। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में रहने पर इससे पूरी तरीके से तो नहीं बचा जा सकता, बट कुछ छोटे छोटे मेजर्स या स्टेप हम ले सकते हैं जिससे कि पोल्यूशन को
रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि कार पूलिंग करना। अगर हम तीन या चार लोग एक ही जगह पर काम करते हैं तो वी कैन स्टार्ट एट द सेम डे और कार पूलिंग करके नंबर ऑफ व्हीकल्स सड़क पे कम किए जा सकते हैं। इसके साथ में अगर आप लंबे समय तक ट्रैफिक पर रुकते हैं तो कार को टर्न ऑफ करने से भी पोल्यूशन कम हो सकता है, जैसे कि जो बैटरी वाली कार्स हैं उसमें पोल्यूशन कम होता है। सो फ्रेंड्स, पूरी तरीके से तो इससे नहीं बचा जा सकता, बट जितना हो सके उतना पोल्यूशन से बचिए, बिकॉज ये पोल्यूशन और स्मोकिंग दोनों ही हार्ट के लिए हानिकारक होते हैं। संसद कांड के आरोपियों पर कसा शिकंजा, ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम समुदाय यानी मस्जिद पैरोकारों को झटका लगा। अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सर्वे के आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद कांड के आरोपी ललित झा को 7 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। वो इस हमले का 7वां आरोपी है और उसे मुख्य सरगना कहा जा रहा है। वैसे पुलिस ने उसकी 15 दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की थी, फिर 7 दिनों की पुलिस हिरासत मिलने के बाद ललित को स्पेशल सेल के दफ्तर लाया गया, जहाँ उससे लगातार पूछताछ हो रही है। टीएमसी के पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। अदालत ने उनके मामले की सुनवाई 3 जनवरी तक टाल दी। इस तरह संसद के मौजूदा शीत सत्र में उनकी वापसी की उम्मीदें भी खत्म हो गई। वैसे सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि उन्हें इस केस की फाइल आज सुबह ही मिली है, जिससे उन्हें फाइल पढ़ने का मौका नहीं मिला। हालांकि महुआ के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो सिनॉप्सिस यानी केस को संक्षिप्त में पढ़कर बता सकते हैं। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि वो पहले खुद फाइल पढ़ेंगे तब सुनवाई करेंगे। राजस्थान के जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक संदिग्ध कबूतर मिला। इस कबूतर को बीएसएफ की 154वीं बटालियन के जवानों ने ग्रामीणों की जानकारी पर पकड़ा। इस कबूतर के पैरों पर काले अक्षरों से 870689 नंबर लिखा हुआ है। इसके पालतू और ट्रेंड होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार ये कबूतर अरब के शहजादों के हो सकते हैं, जो कि इन दिनों जैसलमेर के सामने सीमा पार में दुर्लभ प्रजातियों के पक्षियों के शिकार के लिए आए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के कुछ विधायकों की अयोग्यता के मामले पर फैसला करने को लेकर विधानसभा स्पीकर को कुछ और समय दे दिया। इससे पहले शिवसेना के शिंदे गुट की अयोग्यता मामले पर विधानसभा सचिवालय ने सुप्रीम कोर्ट से 3 हफ्ते का और समय देने की गुजारिश की थी। अब अदालत ने फैसले लेने के लिए 10 जनवरी तक मोहलत दी थी। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। देश की सियासत में आज गजब का संयोग हुआ। राजस्थान में आज भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दिलचस्प बात है कि आज ही उनका जन्मदिन भी है, यानी कि 15 दिसंबर का दिन उनके लिए दोहरी खुशी लेकर आया है। शपथ ग्रहण से पहले अपने माता पिता के पैर धोने की उनकी तस्वीर चर्चा में है। मैं भजन लाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ये तस्वीर ऐतिहासिक है, सिर्फ इसलिए नहीं कि पहली बार ही विधायक बने भजन लाल शर्मा राजस्थान के सीएम बन गए हैं। ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि देश में पहली बार किसी नेता ने अपने जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इसलिए देने वालों ने डबल बधाई दी और शपथ ग्रहण के बाद भजन लाल शर्मा राजस्थान के 16वें मुख्यमंत्री बन गए। मैं भजन लाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। जयपुर के भव्य अल्बर्ट हॉल के सामने शपथ ग्रहण की ये खूबसूरत तस्वीर राजस्थान में न सिर्फ सरकार बल्कि नेतृत्व परिवर्तन की गवाह है। लेकिन आज के दिन जो तस्वीर चर्चा में रही उसे देख लीजिए। शपथ ग्रहण से पहले भजन लाल शर्मा अपने माता पिता के पास गए, पत्नी के साथ मिलकर माता पिता के पैर धोए, चरणों में सिर झुकाया। बुजुर्ग माता पिता ने तिलक लगाकर मुख्यमंत्री बनने जा रहे बेटे को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दे दी बेटा को, आशीर्वाद दे दी। आपने सोचा था कभी कि एक छोटे से कार्य? ये सब भगवान की लीला है।
हाँ सब भगवान की लीला बेटा, सब काम भगवान की लीला तो है। किस तरह देखते हैं आप, अब क्या लगता है आपको, जब प्रदेश के मुखिया बन गए सरकार के, क्या क्या करना चाहिए? अब भगवान बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, एकदम काम तो एकदम कर रहे हो बेटा, बहुत दिन आएगी तेरी राजनीति। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत प्यार पूरी जनता को, पूरे राजस्थान को, और आप जनता ने जिसने प्यार दियो इसलिए मैं तो यूँ प्यार दे बेटा, मैं तो नावत बेटा से कि जैसे प्यार जनता ने दिखाया हो ऐसे पूरी जनता को, मोदी जी को देवता। शपथ ग्रहण से पहले भजनलाल शर्मा मंदिर भी गए, भगवान के दर्शन के बाद गुरुजी का भी आशीर्वाद लिया, गौशाला भी गए और गायों की सेवा की। इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह की जगह पर पहुंचे। भजनलाल शर्मा का मुख्यमंत्री पद तक का राजनीतिक सफर एक मिसाल है। 34 साल के राजनीतिक करियर में भारतीय जनता युवा मोर्चा और पार्टी संगठन में अलग अलग पदों पर काम किया। कहते हैं मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा के दौरान भजनलाल शर्मा की जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी और वहां से तकदीर ने करवट बदली। बाद में पश्चिम बंगाल में अमित शाह की टीम में काम किया और अपनी प्रतिभा दिखाई। संगठन की क्षमता और सुर्खियों से दूर रहकर काम करने की आदत ने आज उनको राजस्थान बीजेपी नेताओं की कतार में आगे लाकर खड़ा कर दिया है। इस तस्वीर की खूबसूरती है कि एक तरफ साधारण बैकग्राउंड के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, दूसरी तरफ जयपुर राजघराने की दिया कुमारी, मानसिंह द्वितीय की बेटी, महारानी गायत्री देवी की पोती, लंदन से पढ़ाई लिखाई और अकूत संपत्ति की मालकिन। दिया कुमारी मुख्यमंत्री पद की रेस में भी थी लेकिन डिप्टी सीएम बनाई गई है। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ, मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी। भजनलाल शर्मा ब्राह्मण समुदाय से, दिया कुमारी ठाकुर है। दूसरे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा दलित समुदाय से हैं और चुनावी समीकरण के लिहाज से बीजेपी के लिए बहुत अहम है। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन की गवाह बने इस समारोह में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री पहुंचे। वसुंधरा राजे भी आई जो सीएम पद की सबसे मजबूत दावेदार मानी जा रही थी। अशोक गहलोत भी आए जिनका जादू चुनाव में नहीं चल पाया। आज इस मौके पर सभी चेहरों पर खुशी थी। सियासत कल से शुरू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पत्र आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में रौनक रही। सेंसेक्स 970 अंक ऊपर चढ़ा, 71484 के नए रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 274 अंक चढ़ा, 21457 पर बंद हुआ। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव चढ़े, सोना 150 रुपए महंगा हुआ। अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 63,100 रुपए पर पहुंची। वहीं चांदी की कीमत में भी 700 रुपए का इजाफा हुआ। दिल्ली में अब 1 किलो चांदी 78,100 रुपए में मिलेगी। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने वाली स्टार्टअप कंपनी सिंपल एनर्जी ने अपना दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर डॉट वन लॉन्च किया। इसकी शुरुआती कीमत करीब 1,00,000 रुपए है। कंपनी ने इसे 4 कलर ऑप्शन में बाजार में उतारा है। और अब रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की लड़कियां लीग क्रिकेट खेलने पुणे जा रही है। इन लड़कियों का चयन वहां के अलग अलग गांवों से हुआ है। सेना के मिशन सद्भावना के तहत कुपवाड़ा की इन बेटियों को लंबे अरसे बाद खेल के मैदान पर अपना हुनर दिखाने का मौका मिला है। इन लड़कियों में कामयाबी की बुलंदी हासिल करने की तमन्ना है।
जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की ये बेटियां पुणे में क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने जा रही हैं। पुणे में होने वाले क्रिकेट लीग के लिए कुपवाड़ा के गांव की लड़कियों का सिलेक्शन करके ये मुकम्मल टीम बनाई गई है, जो राष्ट्रीय स्तर पर अपने टैलेंट का प्रदर्शन करेंगी। हमें हमारा एक विजन है, हमारा एक टारगेट है कि हमें एक दिन अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, जैसे कश्मीर की बाकी बेटियां आज इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। और हमारा भी यही मिशन है कि हम अपनी क्रिकेटर्स को अपनी इंडिया की टीम में एक दिन देखना चाहते हैं। हम हर टाइम यही कोशिश करते हैं। मिशन सद्भावना के तहत भारतीय सेना ने इन लड़कियों को ट्रेनिंग दी है और क्रिकेट में अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका दिया है। भारतीय सेना का मिशन सद्भावना के तहत कुपवाड़ा जिले से 16 लड़कियों को पुणे क्रिकेट खेलने के लिए भेजा जा रहा है, जो साफ तौर पर उन लोगों के लिए जवाब है जो ये पूछते हैं कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर में क्या बदला। 2021 में मिशन सद्भावना शुरू किया गया था, जिसमें जम्मू के अलग अलग गांव और शहरों की लड़कियों को क्रिकेट की ट्रेनिंग दी गई। पहले तो 4 टीम्स हुआ करती थी, 4 से 6, 6 से 14, और अब उन 14 टीम्स में से जो बढ़िया टैलेंट था उसको छांट कर पुणे क्रिकेट लीग में खेलने के लिए भेजा जाएगा। इन लड़कियों को टीम में चुने जाने की खुशी तो है ही, साथ ही साथ इन्हें भरोसा भी है कि खेल में आगे बढ़ते हुए इन्हें अपने मन पसंदीदा करियर को चुनने में भी मदद मिलेगी। फिर हम आज यहाँ पे पहुँचे अपने घर वालों की बदौलत से, हमारी इंडियन टीम, हमारी इंडियन की ये जो आर्मी है उन्होंने हमें सपोर्ट किया, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया आज यहाँ पे पहुँचने के लिए। और हम इतने खुशकिस्मत है कि एक फार फ्लंग एरिया से आ रहा है, कोई कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि वो सबसे दूर दराज एक डिस्ट्रिक्ट है, तो हम वहाँ से उस जगह से पुणे जा रहे, वो सबसे बड़ी बात है कि हम एक इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में खेलने जा रहे, वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। मैं चाहती हूँ सर, जो ये प्लेटफॉर्म हमें आज मिला है, मैं चाहती हूँ सर हर साल हमें ऐसा मिले ताकि हम अच्छे अच्छे जगह पे जा सके, अपना ये जो भी हमारा, ताकि हम टैलेंट अपना बाहर शो कर सके। इस वजह से जो बाकी लड़कियाँ भी सर जो घर पे हैं जो नहीं निकल पा रही है, उनको भी एक ये मिल जाएगा सर, थोड़ा बहुत एक्सपीरेशन मिल जाएगी सर। सर मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है कि मैं क्रिकेट खेलती हूँ। जैसे बाकी लोगों का मतलब कुछ कोई ड्रीम होता है, किसी डॉक्टर, किसी के इंजीनियरिंग ड्रीम होती है, सर मेरी ड्रीम है कि मैं एक क्रिकेटर बनूँ, मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर बनूँ। मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है कि जब मैं खेलने जाती हूँ कहीं भी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी फील होती है उस टाइम कि मुझे मौका मिला कि मुझे खेलने जाना है कहीं पे। पुणे रवाना होने से पहले जम्मू के इस टीम के सदस्यों की मुलाकात उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी से हुई। उन्होंने इनका हौसला बढ़ाया और भरोसा जताया कि कश्मीर की ये बेटियां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाकर देश का सिर गौरव से ऊंचा करने में कामयाब होंगी। अनमोल बाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जम्मू, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पद के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी धोनी की जर्सी की। आपने खिलाड़ियों के रिटायरमेंट के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप इस बात से भी वाकिफ हैं कि खिलाड़ियों की जर्सी भी रिटायर होती है? असल में महान खिलाड़ियों को सम्मान देने के लिए उनकी जर्सी को रिटायर किया जाता है, और इसका मतलब होता है कि आगे कोई खिलाड़ी उस नंबर की जर्सी का इस्तेमाल नहीं करेगा। भारतीय क्रिकेट में यह सम्मान सबसे पहले सचिन तेंदुलकर की जर्सी को मिला, उनकी 10 नंबर की जर्सी को रिटायर किया गया था। अब सचिन के बाद ये सम्मान धोनी की जर्सी को मिलेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट से धोनी के रिटायरमेंट के बाद उनकी 7 नंबर की जर्सी को भी रिटायर करने का फैसला बीसीसीआई ने किया। मतलब ये कि 7 नंबर की जर्सी भारतीय टीम के किसी भी खिलाड़ी पर नहीं दिखेगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भी टीम इंडिया के खिलाड़ियों को धोनी की जर्सी का नंबर इस्तेमाल नहीं करने की जानकारी दे दी है। जर्सी से जुड़े कुछ नियम होते हैं, मसलन आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने खिलाड़ियों को 1 से 100 के बीच कोई भी नंबर चुनने की इजाजत देता है। आईसीसी की तुलना में बीसीसीआई की तरफ से जर्सी नंबर चुनने के लिए लिमिटेड ऑप्शंस हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड खिलाड़ियों को 1 से 60 के बीच ही अपने लिए नंबर चुनने की अनुमति देता है, जिसमें सचिन की जर्सी नंबर 10 और धोनी की जर्सी नंबर 7 का विकल्प खत्म हो गया है। इसका मतलब ये है कि भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए अब 58 नंबर ही बाकी है। इनमें भी ज्यादातर खिलाड़ियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आगे कोई खिलाड़ी डेब्यू करेगा तो उसके पास जर्सी का नंबर चुनने के लिए 30 नंबर ही मौजूद हैं। धोनी के सम्मान पर लोगों की राय जानने के लिए हम पहुंचे सोशल अड्डे पर। धोनी के नाम नंबर 7 जर्सी जो है रिटायर हो गई। धोनी ने क्रिकेट में बहुत कमाल किया, भारत को वर्ल्ड कप भी जिताया है। कितनी खुशी हो रही है एज अ धोनी फैन?
देखिए बहुत बड़ी बात है और धोनी ने जो देश के लिए किया वो बहुत सराहनीय है। उसने वर्ल्ड कप T20 भी हमें दिया है और वनडे भी उसने T20 हमें दिया है, टेस्ट रैंकिंग में भारत को नंबर वन बनाया है। वो डिजर्व करता है ऐसी चीज़ों के लिए। और जैसे मुंबई में भी जिस जहाँ पर फाइनल में उसने एक छक्का लगाया था उस सीट को भी करोड़ों में सेल हुआ और वो भी रिजर्व कर दिया गया किसी एक पर्सन के लिए जिसने खरीदा है। और ये जो 7 नंबर की जर्सी को भी एक दिया गया उसको एक लाइफ टाइम, वो भी एक बहुत बड़ी बात है धोनी के लिए। और उसको इससे भी शायद बड़ा और कुछ देना चाहिए जो ये दिए हैं दो गिफ्ट उसको। बहुत खुश हैं सब लोग, पूरा भारत खुश होना चाहिए। धोनी के नाम पे कोई खुश हो ऐसी तो बात है ही नहीं। धोनी नापसंद का कोई रीजन नहीं है। धोनी के चलते विश्व कप दूसरा भारत को मिला है और धोनी एक अच्छे प्लेयर, अच्छे इंसान है, इसमें सबको खुश होना चाहिए। आई मीन वो एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा इमोशन है। ठीक है, अगर धोनी अगर खेल रहा है ऑन पिच पे, सिर्फ वो क्रिकेट के लिए पिच पे आता है तो उस समय जो एक खुशी देखते हैं पूरे क्राउड में एक अलग मिलता है, तो एक इमोशन है। तो हमारे देश का जो तीनों फॉर्मेट में वर्ल्ड कप लाने वाला बंदा है उसके लिए तो हमें बहुत खुशी और उसे एक पॉजिटिव मिली, बहुत बढ़िया है, तो देश के सम्मान और मान की बात है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, इतना बड़ा प्लेयर है, देखे आप लोग की वर्ल्ड कप जिताए हैं, ये किए हैं, तो उन्हें तो रिटायर करना ही चाहिए 7 नंबर जर्सी को, जिससे कि हम लोग जानते ही है महेंद्र सिंह धोनी को। तो इस प्रकार से मतलब बहुत अच्छा किया BCCI ने, हमें भी अच्छा लगा कि महेंद्र सिंह धोनी भैया को इतना मुकाम दिया। जिस तरह सचिन तेंदुलकर ने भले सेंचुरी मारा लेकिन वर्ल्ड कप जिताया, मैन हकदार तो महेंद्र सिंह धोनी ने अच्छी कप्तानी करते हुए किया है ना। बहुत अच्छा लगता है कि माई ब्या हम लोग का झारखंड का नाम रोशन किया है, वो मतलब एक देश के लिए इमोशन है। वो जैसा क्रिकेट पर नाम कमाए हैं तो उनको सम्मान का हकदार है। अगर तेंदुलकर सर का बात है तो उनका ही मतलब ज़्यादा ये है कि हाँ क्रिकेट में वो बहुत चीज़ दिए इंडिया को, 3 वर्ल्ड कप, 2 वर्ल्ड कप जिताए हैं, चैंपियन ट्रॉफी जिताए हैं, तो काफ़ी अच्छा कप्तानी भी की है। और उनका एक नाम सुनकर सब लोग का अंदर एक इमोशन आ जाता है कि हाँ प्लेयर है, बहुत बड़ा फिनिशर थे बहुत बड़ा हम लोग का। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि उनका वो 7 नंबर जर्सी रिटायर हो रहा है और वो उसके बाद किसी को नहीं मिला होते, काफ़ी खुशी का बात है। धोनी का जर्सी नंबर 7 है तो हम लोग को बहुत खुशी मिला है और 7 अब रिटर्न हो रहा है तो भी एक तरह से अच्छा है कि धोनी भैया बहुत बड़ा प्लेयर थे और 7 में जर्सी नंबर 7 मिले हैं, तो फिर उसका अब रिटर्न भी करें तो भी हम लोग का एक तरह से खुशी की बात है कि उसका द्वारा किसी को भी नहीं मिलना चाहिए जर्सी नंबर 7, इसलिए हम लोग को बहुत अच्छा मतलब खुशी मिला है। अब मछलियों के भी होंगे आधार कार्ड। जी हाँ, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए लिए चले आपको डिजिटल गली। उत्तर प्रदेश में अब मछलियों के भी आधार कार्ड बन रहे हैं, ये जानकारी खुद राज्य के मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने दी। उनके मुताबिक अब लखनऊ में बने मत्स्य अनुसंधान केंद्र में इंसानों की तरह मछलियों के आधार से जुड़ी जानकारी के लिए व्यवस्था की गई है। इससे ये पता चलता है कि मछली किस नदी की है। मंत्री संजय निषाद ने कानपुर के गंगा बैराज में अटल घाट से 1 लाख मछलियों के बच्चों को गंगा नदी में छोड़ा। एलन मस्क की कंपनी एक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ग्रोक नाम का एक AI टूल पेश किया। दावा है कि ये टूल यूजर्स को रियल टाइम में जानकारी दे सकता है। ये ChatGPT और BARD की तरह ही काम करता है, हालांकि इसके लिए लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना होगा। फिलहाल इसे भारत और ऑस्ट्रेलिया समेत करीब 50 देशों में लॉन्च किया गया है। ओला इलेक्ट्रिक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल लॉन्च किया। कंपनी के CEO भाविश अग्रवाल ने इसे पेश किया। इसका नाम कृत्रिम रखा गया है। दावा है कि ये OpenAI के चैटबॉट ChatGPT और गूगल के BARD की तरह ही काम करेगा। कहा जा रहा है कि हिंदी समेत 22 भारतीय भाषाओं को समझ सकता है। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।